नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं बात करने वाली हूँ मिनिएचर रोज़, बटन रोज़ के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत ये रोज़ का प्लांट है। और फ्रेंड्स इनके जो फ्लावर्स होते हैं बंचेस में खिलते हैं, अगर जिनके पास ये प्लांट होगा उनको तो पता ही होगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है बंचेस में जब खिलते हैं। इनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती, छोटे थोड़े सी कमी रहती है, ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा एक फिट होती है। अगर इनके हम प्रून करते रहते हैं तो छोटे से खिल रहते हैं, एक ही जगह पर बने रहते हैं, लेकिन अगर प्रून नहीं करते तो इनके ब्रांचेस थोड़ी सी लैगी हो जाती हैं, लेकिन जब इनको हम अच्छे से मतलब सेट करके रखते हैं तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मेरे पास वाइट वाले हैं जो मिनिएचर वैरायटी के हैं, और ये जो बटन रोज है पिंक वाला आप देख रहे हो, तो ये दोनों मैं नर्सरी से लाई थी, फरवरी में ही लाई थी उस टाइम पे। तो जो वाइट वाला है थोड़ा सा मतलब जैसे पिंक खिल रहा है, इसी तरीके से खिल रहा था, लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ा सा इनकी ब्लूमिंग भी कम हो गई है और साइज़ में थोड़ा बड़ा हो गया है। और फ्रेंड्स नर्सरी वालों ने इसी को मतलब पिंक और वाइट दोनों एक साथ लगाए थे, दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी सोचा था मैं ले जाऊंगी तो उसे ट्राई करूंगी एक साथ ही एक ही पॉट में लगाऊंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, प्लांट्स थोड़ा सा बड़े थे। कटिंग हाँ, अगर मैं लगाती हूँ इनकी तो ज़रूर वाइट और पिंक साथ में लगाऊंगी और आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैं बटन रोज़ की बात करती हूँ, डिफरेंस ये बंचेस में खिलने वाले प्लांट हैं और ये हैवी ब्लूमिंग करते हैं, तो हैवी फीडर प्लांट ही है। तो जब भी हम इनकी सॉइल बनाते हैं तो उसमें जो खाद होती है उसकी मात्रा में ज़्यादा रखनी है। जैसे हम सॉइल बना रहे हैं इसके लिए तो उसमें 50% हम गोबर की खाद देंगे। गोबर की खाद मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो रोज़ के प्लांट हमारे होते हैं फ्रेंड्स, गोबर की खाद इनको बहुत पसंद होती है और हैवी ब्लूमिंग के लिए बहुत अच्छा वो काम करता है। तो जब भी आप रोज़ प्लांट के लिए सॉइल बनाते हैं तो गोबर की खाद ज़रूर ऐड करें, और उसमें आप सैंड सॉइल ले लें, और जो गार्डन सॉइल होती है, बर्मी कंपोस्ट होता है, नीम खली होती है, सबको मिला के आप इनकी सॉइल तैयार कर सकते हैं। और फिर पॉट की अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए 8 इंच से लेकर 12 इंच तक पॉट ले सकते हैं। मैं अपने पॉट की बात करूँ तो मेरा पॉट फ्रेंड्स 10 इंच का है और उसमें मैंने दोनों प्लांट्स को लगाए हुए हैं। और फ्रेंड्स इनकी अगर मैं धूप की बात करूँ तो इनको 7-8 घंटे की अच्छे से धूप चाहिए होती है, तो मैंने इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखा है मॉर्निंग से लेकर मतलब 2-3 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है, यानी कि आप समझिए 7-8 घंटे तो धूप रहती ही है, इसी वजह से इसमें ब्लूमिंग हो रही है। और फ्रेंड्स कई हमारे सब्सक्राइबर के जो कमेंट आते हैं बोलते हैं हमारे जो रोज़ के प्लांट हैं उसमें फूल नहीं आते हैं, तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा कि आपने जहाँ रोज़ का प्लांट लगाया वहाँ पे धूप आती है या नहीं आती है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो उनको धूप की ज़रूरत होती है। तो अगर नहीं आ रही है तो आप उस प्लांट को वहाँ पे रख दीजिए, जब इनको अच्छी सी धूप मिलेगी खुद ब खुद इसमें आप देखेंगे बर्स आना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको जो आपका प्लांट है अच्छे से धूप मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आपकी जो पत्तियां मुरझा रही हैं, पीली पड़ रही हैं, कलियां ड्रॉप हो रही हैं, तो ये ज़रूर ध्यान दे लें कि कहीं ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है या फिर पानी तो कम नहीं दे रहे हो, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा है तो उसको आप थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए, अच्छे से धूप दिखा दीजिए मिट्टी को, फिर आपका प्लांट अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो फूल आपके फेट हुए पड़े हैं, पत्तियाँ येलो हुई होती हैं, उनको तोड़ के हटा दिए, रिमूव कर दिए वहाँ से, ताकि इसमें अच्छे से ग्रोथ जो हो रही है हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर इसमें पत्तियाँ येलो लीव्स लगी रहती हैं, फ्लावर सूखे हुए लगे रहते हैं, तो सारी एनर्जी फ्रेंड्स प्लांट इसी में वेस्ट कर देते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है रुक जाती है, प्लांट हमारा ख़राब होने लगता है। और जो इनकी पत्तियाँ फूल जो निकलते हैं, अगर इसे हम गमले में डाल देते हैं तो वो उसी में डिकम्पोज होकर अच्छा सा फर्टिलाइज करते रहते हैं हमारे प्लांट को। तो पत्तियाँ जो खास करके जो पत्तियाँ होती हैं हमारी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, तो उसी में इसे डाल देंगे तो वो उसमें जो नाइट्रोजन का कम बहुत अच्छे से करता है, जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसी तरीके से उसके लिए उसमें डाल सकते हैं, जो सूखे पत्तियाँ हैं बड्स जो ख़राब हो रही हैं उनको वहाँ से ज़रूर रिमूव कर दें। और फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो हैवी ब्लूमिंग वाले प्लांट हैं ये, हैवी फीडर प्लांट हैं ये, तो इनको हमें हफ्ते में एक बार ज़रूर फर्टिलाइज़ कर देना चाहिए। फर्टिलाइज जो गर्मी का अगर सीज़न है तो इसको बिल्कुल लिक्विड वाला बना के दे सकते हैं, किचन जो किचन वेस्ट का हमारा होता है उसको भी दे सकते हैं। मैंने अभी लास्ट वीडियो शेयर करी हुई है कि लिक्विड फर्टिलाइजर के ऊपर, आप देख सकते हो। और आप काउडंग कंपोस्ट का, बर्मी कंपोस्ट का, इनका भी लिक्विड बना के दे सकते हैं। वैसे तो अगर मैं बोलूं तो जो किचन वेस्ट का होता है वो सबसे अच्छा होता है, इजीली बन भी जाता है, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप उसको बना के अपने इस प्लांट को दे सकते हैं।
और फ्रेंड्स अगर इस पर आपको किसी भी इंसेक्ट का अटैक दिखता है तो आप इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। और भी चीज़ें होती हैं हमारे घर में ईजिली मिल जाती हैं, उनसे भी हम कीटनाशक बना के इस पर स्प्रे कर सकते हैं। सो फ्रेंड एक छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा जो बटन रोज़ का प्लांट है, कोई भी रोज़ का प्लांट हो, वो अच्छे से सालों साल चलता रहेगा और हमारे गार्डन में इसी तरीके से बना रहेगा, ब्लूम करता रहेगा। सो फ्रेंड आज की थी मेरी वीडियो बटन रोज़ प्लांट के बारे में। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक शेयर, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अपने न्यू वीडियो न्यू प्लांट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।